नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज राजभवन में तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और पिछली विधानसभा के अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एक संधि के तहत अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले असम मूल रूप से म्यांमार का हिस्सा था। इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि जो लोग असम के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। मणिपुर में नागा महिला की हत्या मामले में CBI ने 9 लोगों को बनाया आरोपी, चार्जशीट भी किया गया दायर। उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन परियोजना को तय समय पर पूरा न करने वाली फर्म पर अब पेनल्टी लगने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि 3 बार से अधिक पेनल्टी लगने वाली फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाराणसी से करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज, 24 दिसंबर को करेंगे जनसभा। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की जनसंख्या 2036 तक बढ़कर 2.65 करोड़ पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 47.34% महिलाएं शामिल होंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पंजाब का हक मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में व्यापार के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह नहीं है, हमारे पास एक ड्राई पोर्ट था जिस पर हजारों सालों से सिल्क रूट था, अमृतसर लाहौल और रावलपिंडी से सेंट्रल एशिया को जाता था, जानबूझकर पंजाब का नुकसान करने के लिए कई सालों से केंद्र की मोदी सरकार ने इसे बंद रखा हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने JJP नेता नैना चौटाला व 3 की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के खिलाफ याचिका पर बहस 9 अप्रैल को तय की है। इस मामले में अभय चौटाला की तरफ से जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद्द करने के फैसले को सही ठहराया गया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा अपनाई गई नीति ही मुख्य गारंटी है जो द्विपक्षीय संबंधों का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है, हिंदुस्तान के कोने-कोने में दिख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, लोग गाड़ी को खरीद करके सारी जानकारी लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 77वां जन्मदिन है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता ने इसे महिला शक्ति के रूप में मनाया। वहीं इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आतंकी साजिश को लेकर NIA ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में 44 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर एक फर्जी दस्तावेज वायरल हो रहा है। इसमें पूछा गया है कि क्या भारत में हमास पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है। इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जवाब दिया। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि लोकसभा में हमास को आतंकी संगठन घोषित करने के सवाल से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की और ब्रिज का रखरखाव करने वाली कंपनी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक बार दिए जाने वाले मुआवजे से पीड़ितों की मदद नहीं हो सकती, उन्हें उम्र भर का घाव मिला है, कंपनी को पीड़ित परिवारों को पेंशन देना चाहिए। राजस्थान के निवर्तमान CM अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर हमला किया और कहा कि BJP मुख्यमंत्री का नाम अब तक सामने नहीं ला पाई है, इससे उसकी पोल खुलती जा रही है। वहीं गहलोत के इस बयान पर अब राजस्थान भाजपा अध्यक्ष CP जोशी ने पलटवार किया और कहा कि अशोक गहलोत वो दिन भूल गए जब 2018 में सरकार बनाने में 16 दिन लग गए थे। अशोक गहलोत से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहां विपक्ष के नेता पर निर्णय क्यों नहीं हो पाया।
अक्सर हल्की भूख के लिए खाए जाने वाले स्नैक्स कोलेस्ट्रॉल के स्तर को और बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे दिल पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने स्वाद के साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रखें। इसके लिए हल्की भूख को शांत करने के लिए अंकुरित चाट, हेल्दी और टेस्टी नाश्ते का ही इस्तेमाल करें। इससे आपको कई फायदे मिलेंगे और आपकी भूख भी मिट जाएगी। यूपीएससी ने टेक्निकल ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 28 दिसंबर तक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र में भाग लिया और अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मैंने इसके लक्ष्य के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि 2,00,000 करोड़ रुपए, लेकिन आज 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। मैं इसके लिए राज्य प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश ने कमाल कर दिया है। नहीं खत्म हो रहा है झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का गुप्त खजाना, 300 करोड़ के आसपास कैश हुआ बरामद। अभी भी इनकम टैक्स की रेट जारी है, जहां भाजपा ने कांग्रेस पर कसा तंज, पूछा किसका ATM थे साहू। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो विधायकों की बैठक लेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में अरुण साव, सरोज पांडे और लता ओसेडी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी सीएम पद पार्टी द्वारा दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार को शाम 7 बजे बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल के नाम सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। शिमला में दिसंबर से पहले वीकेंड पर सैलानियों की भरमार, पर्यटन कारोबार की जगी उम्मीद, क्रिसमस और नए साल में और भीड़ जुटने की है संभावना। जम्मू में शादी का कार्ड देने के बहाने घर में दाखिल हुए चोर, महिला के मुंह पर टेप लगाकर हाथ पांव बांधा, फिर नकदी और जेवर पर किया हाथ साफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से राज्य के बकाए हिस्से के भुगतान की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। ममता ने कहा कि वह राजधानी दिल्ली 18 और 20 दिसंबर के बीच जाएंगी और इन 3 दिनों में PM उन्हें किसी भी दिन मिलने का समय दे। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने देवेंद्र फडणवीस द्वारा NCP नेता अजीत पवार को लिखे पत्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या यह सब नवाब मलिक के धर्म के कारण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल की ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।